राजस्थान की भाजपा सरकार के पेयजल को निजी हाथों में सौंपने के फैसले पर मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि वसुंधरा सरकार का जल वितरण में भ्रष्टाचार करने का रिकॉर्ड रहा है। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि रिकॉर्ड के मुताबिक राजस्थान जलदाय विभाग को सितंबर 2017 में एशियन डेवलपमेंट बैंक से 820 करोड़ रुपए की पहली किस्त मिली थी। इसका उपयोग सरकार ने नहीं किया। अब पहली किस्त के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक सरकार को दूसरी किस्त देने वाली है। उससे पहले ही सरकार पेयजल को निजी हाथों में देने जा रही है। इसी के साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस भी पेयजल को निजी हाथों में देने का समर्थन कर रही है, इसलिए वह भी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है। दोनों पार्टियां मिलकर जनता को लूटना चाहती हैं। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से आगामी दिनों में मटका फोड़ो जल स्वराज इंकलाब आंदोलन किया जाएगा। संपत्तियां बेच रही है, अब पानी को प्राइवेट कर रहे हैं। पानी राइट टू लाइफ है, पानी को आप प्राइवेट नहीं कर सकते हो आप। लेकिन लगता है सरकार ने पहले ही चुनाव को देख करके ये योजना पहले बनानी, पहले 4 साल तक पानी के दाम लगातार 4 बार बढ़ा दिए। जब सरकार आई है 4 बार आपको मालूम होगा पानी के दाम बढ़ चुके हैं। जहाँ 60 रुपये बिल आता था मिनिमम, आज टाइम 250-300 बिल आ रही है। ये इसलिए क्या कहता है, पहले दाम बढ़ा लो ताकि प्राइवेट अगर देंगे तो और महंगे देंगे, और पैसे कमाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, इनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी इनका ये सपना पूरा कभी नहीं होने देगी। दिल्ली में हम फ्री दे रहे हैं पानी, यहाँ भी पानी हम फ्री देंगे। यहाँ पर हम जल स्वराज इंकलाब लेके आएंगे, यहाँ पर जन जन तक पहुँचेंगे हम। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जो पॉलिसी लेकर के आई है, ये दरअसल इस सरकार की नाकारापन की प्रतीक है ये पॉलिसी। क्योंकि जहां जहां ये प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसके दो ही कारण रहे हैं। एक तो प्रबंधन की का नाकारापन जो कि सरकार दिखा रही है, दूसरा एक करप्शन। आम आदमी पार्टी इस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को लेकर के ये आरोप लगाती है कि ये जो नीति है ये मेलाफाइड है, सरकार की मंशा लोगों की जरूरतें पूरी करना नहीं है।